शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय बच्चन ये दोनों ही स्टार बॉलीवुड के नामचीन स्टार्स में से एक हैं। दोनों की जोड़ी ने फिल्मी पर्दे पर भी आग लगा दी थी। लोगों को उनकी जोड़ी खूब पसंद आती है। फैंस के बीच इनको साथ देखने का एक अलग सा क्रेज था। फिल्म देवदास, जोश, मोहब्बतें जैसी बड़ी फिल्मों में दोनों ने एक साथ काम किया था। फिल्म देवदास की पारो को आज भी फेवरेट किरदारों में गिना जाता है। शाहरुख ऐश्वर्या की जोड़ी भले ही पर्दे पर खूब चली, लेकिन असल जिंदगी में दोनों के बीच पता नहीं ऐसा क्या हुआ जिससे दोनों के बीच दूरी आ गई थी। इस बात का खुलासा खुद ऐश्वर्या ने किया था। आगे का वीडियो देखने से पहले अगर आपने हमारे चैनल एनएन बॉलीवुड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। इसके साथ ही आपको यहां दिख रही घंटी भी बजानी है ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। आपको बता दें कि एक्ट्रेस का एक इंटरव्यू जमकर वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने ऐश्वर्या राय बच्चन से पूछा था कि क्या ये सच है कि शाहरुख खान ने उन्हें एक साथ कई सफल फिल्में देने के बाद भी कई फिल्मों से हटवा दिया था, जिस पर ऐश्वर्या ने कहा था कि मेरे पास इसका जवाब कैसे हो सकता है। हाँ, उस समय कुछ ऐसी फिल्मों की चर्चा थी जिनमें हम साथ में काम करने वाले थे और फिर अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि मुझे उन फिल्मों से निकाल दिया गया बिना किसी स्पष्टीकरण के। ऐसा क्यों हुआ मुझे इसका जवाब कभी नहीं मिला। बता दें कि ऐश्वर्या राय बच्चन आगे कहती हुई नजर आती हैं कि उस समय जब आपके पास कोई स्पष्टीकरण नहीं होता है तो आप पूरी तरह से अचंभित, भ्रमित और दुखी होते हैं। आप इसे लेकर हैरान होते हैं, लेकिन क्या और क्यों सवाल करना मेरे स्वभाव में नहीं है। मेरे अंदर सवाल होते हैं लेकिन मैं किसी व्यक्ति के पास जाकर नहीं पूछूंगी कि क्यों। वहीं किंग खान ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि किसी के साथ प्रोजेक्ट शुरू करना और फिर बिना किसी गलती के उसे बदलना बहुत मुश्किल है। ये बहुत दुखद है क्योंकि ऐश मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि मैंने गलत किया, लेकिन एक निर्माता के रूप में ये सही फैसला था। इसके लिए मैं ऐश से माफी मांगता हूँ। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और आप कौन से टॉपिक पर वीडियोस देखना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।